वो जाना नहीं चाहता था, काफी डरा हुआ था, लेकिन फादर्स डे के वीकेंड पर वो अपने पिता के साथ रिश्ते को और मजबूत करने के लिए उनके साथ गहरे पानी में चला गया। 100 साल पहले टाइटैनिक त्रासदी का दीदार करने की ख्वाहिश 5 लोगों की मौत की कश्ती बन गई। हजारों फीट की गहराई में 100 साल से भी ज्यादा समय से पड़े मलबे को देखने के लिए समुद्र में डूबी पनडुब्बी फिर लौटकर सतह पर नहीं आ सकी। पनडुब्बी के साथ ही समुद्र की गहराइयों में खाक छानने की उम्मीद भी डूब गई, तो टाइटैनिक को टूरिज्म प्लेस बनाने की कोशिश भी डूब गई। 18 जून को समुद्र की गहराई के लिए 5 लोगों की टीम रवाना हुई थी। फिर आप उसी गहराई से उस पनडुब्बी के मलबे की खबर आई। यूएस कोस्ट गार्ड और टाइटैनिक को ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशन गेट ने ऐलान कर दिया कि टाइटन में गए 5 लोग मारे जा चुके हैं। 22 जून को यूएस कोस्ट गार्ड को अटलांटिक सागर की तलहटी में टाइटैनिक के पास मलबा मिला। पिछले कई दिनों से कई देशों के बचाव दल उस लापता हुई पनडुब्बी को खोजने में जुटे थे, लेकिन कोशिश नाकाम रही और पनडुब्बी में सवार सभी यात्री जिंदगी से जंग हार गए। दुनिया के नक्शे पर 1912 में टाइटैनिक जैसे जहाज के डूबने की त्रासदी मनुष्य सभ्यता के इतिहास में कभी न भूलने वाली एक दुर्घटना है। एक भव्य, विशाल और मनुष्य की नायाब इंजीनियरिंग का नमूना रहा जहाज अचानक एक टक्कर के बाद एक रात में ही समुद्र के गाल में समा गया था। लेकिन 100 साल के बाद वो टाइटैनिक एक बार फिर से चर्चा में तब आया जब उसके मलबे को देखने और तलाशने की कुछ अमीर और रसूखदार लोगों ने ख्वाहिश जताई जो शायद पूरी भी न हो सकी। टाइटन कार्बन फाइबर से तैयार एक पनडुब्बी थी जिसका आकार एक छोटी कार जितना था। इसमें पायलट समेत 5 लोगों को एक साथ ले जाने की क्षमता थी। टाइटन में एक बार में 96 घंटों तक चलने लायक ऑक्सीजन भरा जा सकता था। टाइटैनिक तक पहुंचकर वापस बाहर आने में इसे करीब 8 घंटे का समय लगता था। यात्रियों में पाकिस्तान के बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद भी शामिल थे। 19 साल के सुलेमान की उम्र 5 यात्रियों में सबसे कम थी। अब उनकी दर्दनाक मौत के बाद उनकी चाची ने कहा कि उनका भतीजा गहरे पानी में टाइटैनिक का मलबा देखने जाने से पहले डरा हुआ था, यानी सुलेमान को कहीं ना कहीं किसी अनहोनी का डर सता रहा था, लेकिन वो अपने पिता के डर की वजह से बोल नहीं पा रहा था। उसका जाने का मन नहीं था, लेकिन अनहोनी उसे भी समुद्र की गहराइयों में खींच कर ले गई। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने बताया कि पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक जहाज के अगले हिस्से से 1600 फीट नीचे मिला है। बचाव कार्य में जुटे लोगों ने बताया कि पनडुब्बी में भयानक विस्फोट हुआ। अनुमान लगाया गया है कि यह विस्फोट काफी तेज हुआ होगा, जो केवल कुछ मिली सेकेंड तक चला होगा। इससे संभवतः सभी यात्रियों की तुरंत ही मृत्यु हो गई होगी। ये विस्फोट जहाज से संपर्क टूटने के कुछ समय बाद हुआ। हालांकि विस्फोट के असली कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।